हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से MES रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, ये ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों ही पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। बम्पर नंबर ऑफ सीट रहने वाली है, मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग आई है कुछ अपडेट, तो आज की वीडियो उसी के ऊपर रहने वाला है। तो पहले मैं आप सभी को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इंडियन आर्मी MES की क्या सब सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, सारा कुछ बताने वाली हूं। तो अगर आप भी इसके लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगी, चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू कि इंडियन आर्मी में MES रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग न्यू अपडेट आई है। MES का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसके अंदर ना आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के ऊपर बम्पर नंबर ऑफ सीट पे वैकेंसी आई है। बार बार बम्पर नंबर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 41,822 सीट्स के लिए आपको ये वैकेंसी आई, मतलब 42,000 सीट्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स रखा गया है। रिलैक्सेशन भी मिलता है, OBC को 3 इयर्स का एंड SC ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। रही बात फॉर्म की फी, तो जनरल OBC EWS से लिया जाएगा 100 रुपीज, SC ST एंड फीमेल से कोई भी यहाँ पे आपको चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। आइए अब पोस्ट वाइज आपको सीट्स एंड क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। आपको 7 डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी आएगी, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। मेट की सीट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, मेट की पोस्ट के लिए 27,920 सीट, क्वालिफिकेशन 10th पास आउट। MTS के लिए 11,316 सीट है, यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन आपको 10th पास आउट रखा गया है। स्टोर कीपर का 1,026 सीट रखा गया है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10th या 12th, साथ ही साथ आपको टाइपिंग का रिक्वायरमेंट रहने वाला है। ड्राउट्समैन की पोस्ट के लिए 944 टोटल सीट रखा गया है एंड 12th पास आउट इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके अलावा 3 और पोस्ट है, सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर, इसके लिए आपका 534 सीट है। बैरक एंड स्टोर ऑफिसर का 120 सीट रखा गया। आर्किटेक्ट कैडर ग्रेड ए के लिए आपको 44 सीट्स रखा गया। तो इन तीनों के लिए ना अभी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं है, हायर क्वालिफिकेशन होगा, MA, BTEC या डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको जब फॉर्म आउट होगा उस टाइम आपको क्लियरली पता चलेगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर रिटन एग्जाम, मतलब कि आपको जो होता है ना लिखित परीक्षा वो पास करनी होगी। उसके बाद फिजिकल फॉर सम पोस्ट, मतलब कि अब MTS की पोस्ट है तो इसके लिए फिजिकल नहीं होगा। स्टोर कीपर, मेट, ये मतलब सब पोस्ट वाइज अलग अलग डिपेंड करता है किसका क्या रिक्वायरमेंट रहने वाला है। उसके बाद होगा DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब जाके आपका मेडिकल होगा, फिर आप अपने जॉब को ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। तो अब आप सोचोगे कि आपको ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलेगा, तो आइए मैं आपको उसके लिए एक बेहतर आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए बुक आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, ये है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से न्यू बुक इंडियन आर्मी MES के लिए, ये बेस्ट बुक रहने वाला है। इसमें फ्रेंड्स आपको जो है 2850 प्लस वस्तुनिष्ठ यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक हल सहित, और ये आपको एज पर न्यू पैटर्न, मतलब न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सारा कुछ बताया गया है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट वाइज ना जो एग्ज़ाम रेलेवेंट चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सब कुछ ना डिस्क्रिप्टिव वे यानी व्याख्यात्मक हल के साथ दिया हुआ है। और आप लोग देखो बुक में कितना अच्छा से सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप भी इस बुक को ख़रीदना चाहते हो तो मिल जाएगा आपके नियर बाई बुक स्टोर्स पे, तो आप जाके अपने नज़दीकी किताब दुकान से इसको ख़रीद सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एग्ज़ाम की पैटर्न को समझ लेते हैं। आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए, टाइम मिलेंगे आपको 2 आवर्स के, निगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 का।
सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, स्पेशलाइज्ड टॉपिक से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। इन तीनों सीट्स के लिए आपका ये स्पेशलाइज टॉपिक है। अदरवाइज आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25, जनरल इंग्लिश के 25 एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहने वाले। सो आई होप कि एग्जाम की पैटर्न आपको क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट स्टेज पे आपको पास करना होता है फिजिकल। तो आइए मैं फिजिकल का क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर दूं आपको। इसमें आपका रनिंग होता है, 5 किलोमीटर का रनिंग रहेगा मेल कैंडिडेट्स के लिए, 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स के लिए ये रनिंग 1600 मीटर की होती है जिसको 8 मिनट में कंप्लीट करना होता है। पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो मेल के लिए नॉर्थ इंडियन मेल्स का मिनिमम 175 सेंटीमीटर होना चाहिए, अदर्स के लिए 165 सेंटीमीटर। फीमेल्स के लिए नॉर्थ इंडियन का होना चाहिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट एंड अदर्स के लिए 152 सेंटीमीटर। सो आई होप कि फिजिकल का क्राइटेरिया भी आप समझ पाए होंगे। उसके बाद होगा आपका डीवी मेडिकल एंड मिलती है आपको ज्वाइनिंग लेटर। तो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपको सैलरी क्या मिलने वाला है, तो आइए मैं आपको बता देती हूँ। इनिशियली आपको सैलरी मिलती है 56,100 रुपीज़ की एंड बाद में आपको पर्क्स, अलाउंसेस, पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 1,77,500 रुपीज़। तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। सीट भी आपको बम्पर नंबर की आई है, तो आप अपनी तैयारी भी अच्छे से करो ताकि आप इस बार कोई मौका आपसे छूट ना जाए, एक सीट तो आप ले के रहो। अब बताती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा के बारे में कि आप लोग बार बार पूछते हैं कि इसकी रिक्रूटमेंट कब आएगी। तो जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि 16 जुलाई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें बताया गया था कि सीट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कुछ सीट SSC के थ्रू कंडक्ट होगा एग्जाम, कुछ UPSC के थ्रू। तो उसमें ही लगता है किसी रीजन से डिले हो रहा है। अदरवाइज नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आपका जो ये रिक्रूटमेंट है विद इन अ वीक इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो बस इन्हीं सब कारणों से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो घबराना नहीं है, आपका ये फॉर्म एकदम 110% चांसेस है कि सितंबर लास्ट टू आपका अक्टूबर के सेकेंड वीक तक ना फॉर्म आपका आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को करते रहो और होप नहीं खोना है। अगर सरकार ने रिक्रूटमेंट निकाला है, नोटिफिकेशन दिया है, तो वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी हम सभी के बीच। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताया है इंडियन आर्मी मेस रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप लोग उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में आके पूछो। अदरवाइज मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड आपको टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी ज़बरदस्त जॉब के अपडेट के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर देना। मिलूंगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।